ये बात सही है कि रुपया ताकतवर होना चाहिए। हम विपक्ष में हैं तो भी हम चाहते हैं कि हमारे देश का रुपया लुढ़कना नहीं चाहिए, हमारा रुपया ताकतवर होना चाहिए। डॉलर के मुकाबले हम बड़ी हिम्मत के साथ खड़े रहने चाहिए, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कैसे, सीधी सीधी बात बताई भाई, इंपोर्ट बहुत बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम करना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जा रहा है। मित्रों, हमने गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या अकेले गोल्ड के कारण ही फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है? क्या हम गोल्ड को ही विलेन बना दिए हैं? तब लगता है कि आप समाज जीवन की मानसिकता से जुड़े हुए नहीं है और उसी में से संकट पैदा होता है। आज अगर देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम सेक्टर का है, ऑयल का है, एनर्जी सेक्टर में इसकी जरूरत है। लेकिन अगर हम फिगर देखें पिछले 4-5 साल के, तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या किया हमने, जो पहले नहीं करना पड़ा वो कोयला करना पड़ रहा है, आयरन ओर करना पड़ता है। हिंदुस्तान के पास कोयला है, लेकिन चूंकि कोयले की फाइलें खो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के डंडे चलाए हैं, जो देश कोयले को सोना बनाने की ताकत रखता था वो देश अब सोने को भी कोयला बनाने में लग गया है।